मध्य प्रदेश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उनकी उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और साथ ही कुछ स्पेशल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे किसी विशिष्ट फसल की उपज होती है, उन क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में कुछ जलवायु प्रदेशों को पहचाना गया है और उन्हें अलग किया गया है। उन जलवायु प्रदेशों को 11 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है और वो जलवायु प्रदेश मैंने आपके सामने आज प्रदर्शित करने की कोशिश की है। इन जलवायु प्रदेशों के बारे में ना केवल मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स एग्जाम में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स एग्जाम में, बल्कि मेंस एग्जाम में भी इससे जितने मेंस हुए हैं अभी 2014-15 से और 2018 तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो जो 11 जलवायु प्रदेश है वो आपके सामने इस तरह से है। ये देखिए पहला जलवायु प्रदेश है, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये और ये है तीसरा। ठीक है, उसके बाद ये आएंगे तो ये है चौथा, ये है पांचवा, ये है छठा, लाइन से ही याद करना है, ये है सातवां, ये है आठवां, ये है नौवां, ये है दसवां और ये है 11। तो अगर पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। चलिए हम एक एक करके सभी जलवायु प्रदेशों की चर्चा करते हैं। अब चर्चा कैसे करेंगे, उन्हें विभाजन किस आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। तो इन्हें उन विशिष्ट क्षेत्रों की मिट्टी के आधार पर, जलवायु के आधार पर, फसलों इत्यादि के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला जलवायु प्रदेश कौन सा है, डालिए नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो जो पहला अपना जलवायु प्रदेश है इसका नाम है छत्तीसगढ़ का मैदान, याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान तो ये मत समझिएगा कि छत्तीसगढ़ का ही कोई एरिया है, ये हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहला जलवायु क्षेत्र है जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। ठीक है, तो भूमि तो अलग होगी नहीं, केवल राज्य की सीमाएं अलग अलग हो रही है, तो इस कारण से पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, और सभी जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिनमें से प्रमुख है जलवायु, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है फसलें, मतलब उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की फसलें होती हैं, चौथा है वर्षा और पांचवा है जिले, मतलब उस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हम देखेंगे किसी भी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। जो पहला जलवायु प्रदेश है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र या मैदान, यहाँ की जो जलवायु है वो है गर्म आर्द्र। नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, पहले आप जो कृषि जलवायु प्रदेश नाम डालेंगे उसके बाद बता देंगे अपनी सुविधा के लिए कि 11 जलवायु प्रदेश है, उसके बाद फर्स्ट नंबर जो है अपना जलवायु प्रदेश और मैप के सहारे ही पढ़ना है। याद रखना है कि पहला जलवायु प्रदेश कहाँ पर है, अगर आप मेंस में मैप बना देते हैं, मैप ड्रॉ कर देते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जलवायु कौन सी है, पहला छत्तीसगढ़ का मैदान, इसमें जलवायु कौन सी है, गर्म आर्द्र। उसके बाद मिट्टी कौन सी है, तो यहां की मिट्टी है मध्यम लाल पीली, मध्यम लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहां पर, छत्तीसगढ़ के मैदान में, पहले जलवायु क्षेत्र में। उसके बाद आती है फसल की बात, तो ये प्रमुख जो क्षेत्र है, चूंकि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से ये अलग हुआ है ये क्षेत्र, तो सीधी सी बात है छत्तीसगढ़ चावल के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, तो ये भी क्षेत्र चावल के लिए ही फेमस होगा। तो ये स्पेशली जलवायु जो क्षेत्र है वो चावल के लिए अलग किया गया है। अब अगर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पर वर्षा होती है 1200 से 1600 मिलीमीटर, 1200 से 1600 मिलीमीटर। जिले कौन से हैं, अब आप याद कीजिए कि चावल के लिए सबसे ज्यादा फेमस जिला कौन सा था, सर्वाधिक चावल किस जिले में उगाया जाता था, तो वो था बालाघाट। तो कौन सा जिला इसके अंतर्गत आ जाएगा, मात्र बालाघाट। आगे समझ में, इस तरह से आपको करना है। अब दूसरा जो पॉइंट है अपना, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे जलवायु प्रदेश में। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा दूसरा जलवायु प्रदेश है, बघेलखंड का एरिया, ठीक है, और सतपुड़ा का भी कुछ एरिया यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट डालिए, दूसरा पॉइंट डालिए छत्तीसगढ़ का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ की जलवायु की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है, इस वाले एरिया की जो जलवायु है वो है समशीतोष्ण,
लाल पीली मिट्टी और मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, ठीक है। इस वाले एरिया में लाल पीली मिट्टी है और ये जो सतपुड़ा वाला एरिया थोड़ा सा आ जाता है यहां पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हम फसल देख लेते हैं, किस फसल के लिए ये वाला क्षेत्र फेमस है। तो यह जो क्षेत्र है यह फेमस है चावल के लिए, चावल और ज्वार के लिए, चावल और ज्वार क्षेत्र है अपना जलवायु प्रदेश दो। उसके बाद वर्षा यहां पर भी होती है 1200 से 1600 मिलीमीटर, ये 1600 लिखा हुआ है, 1200 से 1600 मिलीमीटर। जिले कौन कौन से आते हैं तो आप मैप को देख के जिलों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर जो जिले आते हैं वो है, पहले तो बघेलखंड वाले जिले लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ, पहले तो बघेलखंड वाले जिले सीधी शहडोल लिखिए, सीधी शहडोल। उसके बाद आप आइए शहडोल के पास अनूपपुर में, आप आइए शहडोल के पास अनूपपुर में, देन उसके बाद मंडला और डिंडोरी, ठीक है। तो यहां पे तो हम बात कर रहे थे दूसरे अपने कृषि जलवायु प्रदेश की, तो कौन कौन से देखिए आपने, सीधी सिंगरौली भी लिख लीजिएगा, सीधी सिंगरौली शहडोल अनूपपुर मंडला डिंडोरी, ठीक है, यहां पे आते हैं। तो ये हो गई अपनी दूसरी जलवायु प्रदेश, ठीक है, ये हो गया खत्म अपने, अपन ने ये पढ़ा। अब हम आते हैं नंबर थर्ड पे, तो हमारा जो तीसरा जलवायु प्रदेश है, अब नजर डालिए तीसरा जलवायु प्रदेश है कहां पर, तीसरा जलवायु प्रदेश है ये, कौन सा, ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो तीसरा जलवायु प्रदेश है कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु की बात करें अगर, तो यहाँ की जो जलवायु है इस क्षेत्र की, ये है मिश्रित, फटाफट नोट कर लीजिए, ये कौन सी है, मिश्रित जलवायु, ठीक है। अब हम आएंगे मिट्टी पर कि मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो है मिश्रित काली एवं मिश्रित लाल, मिश्रित काली क्या, मध्यम काली एवं मिश्रित लाल, मध्यम काली एवं मिश्रित लाल पाई जाती है तीसरे जलवायु प्रदेश में मिट्टी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फसल की, तो यह जो क्षेत्र है ये गेहूं और चावल के लिए फेमस है, गेहूं और चावल। वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ की जो वर्षा है वो है 1000 से 1400 मिलीमीटर इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में 1000 से 1400 मिलीमीटर। अब जिले की अगर बात आए तो देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन से जिले हैं, तो नोट कर लीजिए जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, रीवा पन्ना सतना कटनी उमरिया सिवनी, रीवा पन्ना सतना कटनी उमरिया सिवनी, ठीक है। तो ये हो गए जिले, तो अपना खत्म हो जाता है जलवायु प्रदेश थ्री, 1 2 3 खत्म। आगे बात करेंगे जलवायु प्रदेश चार की, ठीक है। तो चौथा जलवायु प्रदेश कौन सा है अपना, चौथा जलवायु प्रदेश आप ये देखिए और लोकेशन देख के आप इसे याद रख सकते हैं, ये है नर्मदा का इलाका, तो इसे कहा जाता है केंद्रीय नर्मदा क्षेत्र, केंद्रीय नर्मदा क्षेत्र, आगे समझ में। और अगर आपको पता है तो अगर क्षेत्र वाइज देखें तो ये क्षेत्र काफी गर्म क्षेत्र होता है नर्मदा वाला इलाका, ठीक है। तो जलवायु कैसी होगी यहाँ की, जो चौथा है केंद्रीय नर्मदा क्षेत्र, यहाँ की जलवायु होगी गर्म, ठीक है, गर्म जलवायु और मध्यम शीत है यहाँ पर, गर्म जलवायु और मध्यम शीत, ठीक है। अगर मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर और जगह आप काली मिट्टी देखेंगे, लेकिन आप छिछली काली देखेंगे, ठीक है, मध्यम काली देखेंगे, यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो नोट कर लीजिए यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगर हम फसल की बात करें तो यहाँ पर जो फेमस फसल है वह है गेहूं और चना,
गेहूं और चना, ठीक है। तो ये गेहूं और चना क्षेत्र है। फिर अगर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पर वर्षा होती है 1000 से 1200 मिलीमीटर के मध्य, 1000 से 1200 मिलीमीटर के मध्य, ठीक है। अब हम देखते हैं जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। तो जो जिले आते हैं उनका नाम नोट कर लीजिए, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा। जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, ये जो जिले हैं ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिन जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। तो जबलपुर से भी होकर गुजरती है, नरसिंहपुर से भी, होशंगाबाद से भी, हरदा से भी। तो ये जो चार जिले हैं ये आते हैं आपके चौथे जलवायु प्रदेश केंद्रीय नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवें जलवायु क्षेत्र की। तो जो हमारा पांचवा जलवायु क्षेत्र है, आप ये देखिए पांचवा जलवायु क्षेत्र, और इसका नाम है विंध्य पर्वत क्षेत्र। क्या नाम है? विंध्य पर्वत क्षेत्र, ठीक है। तो अब इसकी जलवायु देख लेते हैं। तो यहाँ की जलवायु, यहाँ की और यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ की जलवायु कौन सी है? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण है इस क्षेत्र की जलवायु। उसके बाद मिट्टी देखिए, तो यहाँ की मिट्टी कौन सी है विंध्य पर्वत क्षेत्र की? तो यहाँ पर पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी और पथरीली मिट्टी। तो कौन सी? मध्यम काली और पथरीली मिट्टी, ठीक है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, बस आप मैप को देखते चलेंगे। तो यहाँ भी पाई जाती है मध्यम काली एवं पथरीली मिट्टी। जलवायु कौन सी है यहाँ पर? समशीतोष्ण। उसके बाद अगर फसल की बात की जाए तो यहाँ पर जो फसल है वो होती है गेहूं और चना। गेहूं चना के लिए इसे अलग किया गया है। वर्षा, वर्षा यहाँ पर भी होती है 1000 से 1200 मिलीमीटर, 1000 से 1200 मिलीमीटर। उसके बाद जिले कौन कौन से आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जिलों में यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी और उसके आसपास के जिले स्पेशली। तो नोट कर लीजिए, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, गुना, सागर, दमोह। भोपाल, सीहोर, गुना, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, नोट कर लिए। तो इस तरह से हमारा खत्म हो जाता है पांचवा जलवायु प्रदेश, ये हो गया पांचवा। अब हम बात करेंगे छठे जलवायु प्रदेश की, जो कि है ये। तो छठा जलवायु प्रदेश जो है उसका नाम क्या है लिख लीजिए। छठा जलवायु प्रदेश ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है ग्रिड प्रदेश। ग्रिड प्रदेश जो छठा जलवायु प्रदेश है अपना, उसका नाम है ग्रिड प्रदेश या ग्रिड क्षेत्र। तो सबसे पहले अगर यहाँ की जलवायु की बात करें, मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है, ग्वालियर वगैरह, भिंड वगैरह काफी गर्म स्थान है यहाँ पर। तो आपको इस तरह से याद रहेगा कि यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है। नोट करिए जलवायु के आगे डैश करके लिखिए गर्म जलवायु। उसके बाद मिट्टी की बात करते हैं, चूंकि ये चंबल नदी का पूरा क्षेत्र है तो यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ और बलुई। जलोढ़ और बलुई मिट्टी के लिए ये जो क्षेत्र है फेमस है। उसके बाद मिट्टी के बाद अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा काफी कम होती है, 800 से 1000, है ना। याद कैसे रखना है, चूंकि भिंड में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है 855 सेंटीमीटर भिंड में, है ना। तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 800 से 1000 मिलीमीटर। उसके बाद फसल, तो यह जो क्षेत्र है ये गेहूं और ज्वार के लिए, फसल के आगे डैश करके लिखेंगे गेहूं और ज्वार। उसके बाद जिले देखिए, तो अपने जितने भी उत्तरी मध्य प्रदेश के जिले हैं जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, लिखिए भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी। तो ये आ गए अपने जलवायु प्रदेश 6 के अंतर्गत। तो अपना 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं जलवायु प्रदेश 7 में। तो जलवायु प्रदेश 7 ये देखिए पूरा बुंदेलखंड वाला इलाका है ना। तो जलवायु प्रदेश 7 को कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। तो लिख लीजिए बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ की जलवायु की बात करें, तो चूंकि यहाँ की जलवायु क्या है, जो आपने थर्ड पढ़ा था जलवायु क्षेत्र, यहाँ की जलवायु मिश्रित है, तो यहाँ पे इससे लगा हुआ इलाका बुंदेलखंड क्षेत्र भी है, तो यहाँ की भी जलवायु मिश्रित होगी, समझ में आ गया। उसके बाद अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो है मिश्रित लाल और मध्यम काली, लिख लीजिए मिश्रित लाल मध्यम काली। याद कैसे रखना है, जलवायु प्रदेश 3 की और जलवायु प्रदेश 7 की मिट्टी और जलवायु दोनों सेम है, यहाँ की और यहाँ की मिट्टी और जलवायु दोनों सेम है।
ठीक है। उसके बाद फसल को देखिए, कौन सी फसल के लिए फेमस है, तो यह जो क्षेत्र है लिखिए फसल के आगे डैश करके लिखिए गेहूं और ज्वार, गेहूं और ज्वार, ठीक है, गेहूं और ज्वार के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र प्रसिद्ध है। उसके बाद जिले कौन कौन से आते हैं, हाँ वर्षा ने देखी हमने, तो यहाँ पर वर्षा होती है 800 से 1000 मिलीमीटर, काफी कम वर्षा होती है। पता हो अगर तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है एमपी में भी आता है, यूपी में भी आता है, काफी सूखा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा 800 से 1000 मिलीमीटर होती है, गेहूं और ज्वार के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। उसके बाद जिले कौन कौन से आते हैं, तो जो भी अपने बुंदेलखंड वाले जिले हैं जैसे छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, दतिया, दतिया का भी थोड़ा क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना। अब चूंकि टीकमगढ़ से एक और जिला अलग हो चुका है निवाड़ी, तो ये भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है, सातवें जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आठवें जलवायु प्रदेश, यहाँ पे क्या है, ये पूरा इलाका सतपुड़ा का इलाका है, तो जो आठवां जलवायु प्रदेश है इसका नाम है सतपुड़ा पठार। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट करिए, जो आठवां जलवायु प्रदेश है इसका नाम है सतपुड़ा पठार। आगे समझ में, सतपुड़ा पठार, तो यहाँ की हम पहले जलवायु देखेंगे, तो जो सतपुड़ा पठार है यहाँ की जो जलवायु है वो शीतल है। जलवायु कैसी है यहाँ की जलवायु है शीतल। उसके बाद अगर हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर उथली काली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी में डैश करके लिखिए उथली काली पथरीली मिट्टी, चूंकि ये काली मिट्टी वाला ही क्षेत्र है और पहाड़ी एरिया है तो पथरीली मिट्टी पाई जाती है, तो उथली काली पथरीली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्षा की, तो यहाँ पर वर्षा होती है 1000 से 1200 मिलीमीटर, 1000 से 1200 मिलीमीटर। उसके बाद बात कर लेते हैं हम फसलों की, तो यह जो क्षेत्र है ये भी गेहूं और ज्वार के लिए जाना जाता है, गेहूं और ज्वार के लिए, तो फसल के आगे डैश करके लिख लीजिए गेहूं और ज्वार। अब देखते हैं जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, तो बैतूल और छिंदवाड़ा जिला मुख्य रूप से जलवायु प्रदेश आठ के अंतर्गत आता है, बैतूल और छिंदवाड़ा जिला, नोट कर लीजिए। ये हो गया अपने जलवायु प्रदेश आठ खत्म। अब हम आते हैं जलवायु प्रदेश नौ में, तो जो जलवायु प्रदेश नौ है ये तो रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इसका क्या नाम होगा, मालवा पठार। ये कौन सा रीजन है, मध्य प्रदेश का मालवा, तो मालवा पठार जो है ये जलवायु प्रदेश नौ है, मालवा पठार जलवायु प्रदेश नौ है, ठीक है। तो अब इसकी हम जलवायु की चर्चा कर लेते हैं मालवा पठार की, तो फाहियान ने ही कहा था कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा पठार की है, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण, कैसी जलवायु, समशीतोष्ण, ठीक है। अगर हम मिट्टी देखें तो यह भी क्षेत्र जो है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मध्यम काली, ये जो क्षेत्र है ये मध्यम काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फसलों में, तो यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है कपास, गेहूं, ज्वार, कपास काली मिट्टी का क्षेत्र, मालवा कपास के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो फसल के आगे डैश करके लिखिए कपास, गेहूं, ज्वार, कपास, गेहूं, ज्वार। वर्षा देख लेते कितनी होती है, तो इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो होती है 800 से 1200 मिलीमीटर, 800 से 1200 मिलीमीटर लिखिए, वर्षा लिखिए और डैश करके लिखिए 800 से 1200 मिलीमीटर। उसके बाद बात करते हैं जिलों की, कौन कौन से जिले आते हैं, तो मध्य प्रदेश के जितने पश्चिमी जिले हैं, जितने पश्चिमी जिले हैं वो इंक्लूड कर लीजिए, झाबुआ का कुछ क्षेत्र आता है, मंदसौर आता है, नीमच आता है, ठीक है, उज्जैन आता है, शाजापुर आता है, रतलाम आता है, धार आता है, ठीक है। आगे समझ में, एक बार फिर से बोल देती हूँ, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ के उत्तरी भाग, इंदौर, देवास, धार, नीमच, मंदसौर, है ना, ये जिले आते हैं हमारे नौवें जलवायु प्रदेश मालवा पठार के अंतर्गत। नौ जलवायु प्रदेश खत्म। अब हम आते हैं दसवें जलवायु प्रदेश पे, ये जो क्षेत्र है देखिए ये आपको खंडवा खरगोन का क्षेत्र दिख रहा होगा, खंडवा खरगोन क्षेत्र को क्या कहते हैं, निमाड़ क्षेत्र कहते हैं, तो अपना जो दसवां जलवायु प्रदेश है उसमें लिखिए निमाड़ मैदान, जो अपना दसवां जलवायु क्षेत्र है ये है निमाड़ मैदान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यह दसवां जलवायु क्षेत्र जिसका की क्या नाम है, निमाड़ मैदान। जो निमाड़ मैदान है यहां की भी जलवायु चूंकि ये मालवा से ही लगा हुआ है, तो यहां की भी जलवायु समशीतोष्ण है,
ठीक है, निमाड़ मैदान की भी जलवायु क्या है, समशीतोष्ण है। उसके बाद अगर मिट्टी देखें तो यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जो यहाँ पर पाई जाएगी वही यहीं पर वो मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है, तो मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है मध्यम काली, याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे मध्यम काली, यहाँ पर मध्यम काली, यहाँ पर भी पथरीली भी पाई जाती है यहाँ पर, बस यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो मध्यम काली मिट्टी निमाड़ मैदान में पाई जाती है। उसके बाद वर्षा देख लेते हैं, तो निमाड़ में जो वर्षा होती है वो है 800 से 1000 मिलीमीटर, यहाँ पर 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। यह जो क्षेत्र है ये कपास और ज्वार के लिए काफी ज्यादा फेमस है। कपास के लिए अगर आपको याद हो तो खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि कपास बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है, तो कपास और ज्वार के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। तो अगला पॉइंट फसल लिखेंगे, फसल के आगे डैश करके लिख लेंगे कपास और ज्वार। अब हम जिले देख लेते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, तो बहुत ही आसान है, मैंने बता भी दिया, तो खंडवा हो गया, लिखिए खंडवा, खरगोन, हरदा और धार जिले की कुछ ही तहसील है, धार जिले की कुछ ही तहसील है वो आती है निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। अपने 10 कंप्लीट हो गए जलवायु प्रदेश। अब हम बात करते हैं अंतिम जलवायु प्रदेश जो कि है 11वां जलवायु प्रदेश, और इसका नाम है, चूंकि यहाँ पर झाबुआ और अलीराजपुर जिले है यहाँ पर, तो इसका नाम है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, जो 11वां है इसका नाम है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें हम जलवायु की चर्चा करते हैं सबसे पहले, तो चूंकि ये पूरा जो इलाका है सब जुड़ा हुआ इलाका है, तो यहां पर भी जलवायु समशीतोष्ण पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु का इलाका है 11वां जलवायु प्रदेश भी। उसके बाद मिट्टी देखिए अगर, तो यहाँ पर मध्यम पथरीली हल्की काली, मतलब नोट करिए, मिट्टी लिखिए और डैश कीजिए कि पथरीली काली और मध्यम काली, पथरीली काली और मध्यम काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी जलवायु और मिट्टी की बात। अब हम बात करते हैं वर्षा की, तो यहाँ पर भी वर्षा होती है 800 से 1000, 800 से 1000 मिलीमीटर, यहाँ 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 लगभग सेम वर्षा होती है, 800 से 1000 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये हो गई वर्षा की बात। उसके बाद हम बात करते हैं फसल की, तो ये जो क्षेत्र है ये कपास और ज्वार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कपास और ज्वार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जलवायु क्षेत्र है जिसे कहते हैं झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। अब हम जिलों की अगर चर्चा करें तो जिलों में बहुत ही आसान है, झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर अपने 11वें जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हो गए आपके कृषि जलवायु प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें चाहे आप मेंस की बात करें। आगे कुछ और भी चैप्टर अभी कृषि के क्षेत्र में बचे हुए हैं, सो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।